हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करवा ग्लोबली कंप्रेहेंसिबल असेंट। ग्लोबली कंप्रेहेंसिबल असेंट कौन, क्यों क्यों फैक्टर गुड़ाक ग्लोबली कंप्रेहेंसिबल असेंट को डेवलपमेंट करिवो, ओके से गुड़ाक आज हम डिस्कशन करवा। देखो ग्लोबली कंप्रेहेंसिबल असेंट कौन, आवर असेंट हैज डेवलप्ड ओवर द ईयर with the influence of various factors and any change or development that we intend to bring will only be fruitful with a lot of practice and dedication. कौन कहला ये आमर इंग्लीश लांगुएजा जो भाई भाव में डेवलप होती, ओके किसी वेरियस फैक्टर को किसी फैक्टर उपर निर्भर करके ताहा डेवलप होई छी, जो डेवलपमेंट होई छी से डेवलपमेंट को आमको आने को दरकार। जदि आम यार एनरिच करने को चाहिबा, तहार उन्नति करने को चाहिबा, ताहले हमें तो कौन करवा दरकार से फैक्टर गुड़ा को से चेंज गुड़ा को आने को अच्छी, तो से आमको कौन दरकार से आमको बहुत भाव लॉट ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास दरकार एवं डेडिकेशन दरकार, ता प्रति समर्पण हो समर्पित भाव नहीं ता पछरे अनावरत लग रही अर्थात प्रैक्टिस अभ्यास कर कंप्रेहेंसिबल एक्शन को कौन करवा दरकार डेवलपमेंट करवा दरकार, ओके इन दिस ट्रेनिंग वी विल फॉलो द पाथ बिलो टू हेल्प इम्प्रूव एंड डेवलपमेंट आवर एसेंट स्किल। आम क्यों भाव में क्यों पाथ पाथ मान रास्ता क्यों वे गले आम से ही कंप्रेहेंसिबल एक्शन को से लैंग्वेज को इम्प्रूव करें डेवलपमेंट करगुड़ाक ये कौन कर फ्लो चार्ट मध्यम देखिए, ओके युवा गोटे गोटे आम बर्तमान डिस्कशन कर। तो फास्ट कौन रोच देख फास्ट देखिए अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल। प्रथम इंडिविजुअल प्रथम निजे निजक मार्क करवा दरकार जे निजे निजक अवेयरनेस करवा दरकार जे मुझे भाव में कम्युनिकेट करजकू निजे डेवलपमेंट करके अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल निजे केमी रिप्रेजेंट करके अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल मान निजे स्व दे आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आम आइडेंटिफाई अर्थ मार्क करवा चिह्नट करवा दरकार कौन चिह्नट करवा क्यों एरिया रे इम्प्रूवमेंटा अधिक होची क्यों एरिया रे इम्प्रूवमेंटा अधिक होई पारे, ओके ग्लोबली अर्थात कौन समग्र विश्व रे केमिते इंग्लिश लैंग्वेज टाकु डेवलपमेंट करि पारबो ता कथा पड़ी बर्तमान। तो एरिया को आम मार्क करवा दरकार आइडेंटिफाई करवा दरकार जो एरिया रे कि आम कौन करि पारबा ए कंप्रेहेंसिबल एक्शन को डेवलपमेंट करि पारबा, ओके देन थर्ड आसला डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोनेटिक सिस्टम मान कौन आमर कथा कहार तलिका जो कथा करार जो सिस्टमटा अच्छे फोनेटिक सिस्टमटा ताकि बुझा दरकार डेवलपमेंट करवा दरकार कौ तरीका डेवलपमेंट हो पार भल भाव केमी बुझे पार्बा ये सब दरकार, ओके तो फोर्थ रे कौन आसे अंडरस्टैंडिंग द सिलाबिक स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इंटोनेशन माने स्पष्ट भाव कहार जो शैली, ओके एंड सिलाबिक जो तरीका जाए ये उपरे आमर ज्ञान रहा दरकार। देन फिफ्थ रे करेक्ट इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस आमको भल भाव अभ्यास करवा दरकार भल भाव उन्नति करवा दरकार ग्रो करवा दरकार यहाँ पर दरकार। ता सहित लास्ट कौन आसे ये सब प्रोसेस सर सारापर कौन आसे इवाल्युएट इम्प्रूवमेंट आम केन्नति कले के डेवलपमेंट कले के ग्रो कले तार गोटे इवाल्युएट तार गोटे अनुशीलन करवा दरकार मान के बढ़ला के कमला मुझे केिखिली ये सब गोटे इवाल्युएट करवा दरकार मार्किंग करवा दरकार, ओके तो ये तार फ्लो चार्टा किभली भाव में आम डेवलपमेंट करवा। तो वर्तमान आपरे गोटे गोटे डिस्कशन करवा कौन अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल, ओके तो अवेयरनेस ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके इम्पोर्टेंट
तो से क्वेश्चन पचार दिए अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल रु किसी बीट गुड़ाक लिख हाउ टू अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल कि भाव में तुम्हें निजे निजक अवेयरनेस कर इंडिविजुअल ओके तो कौन कौन आसे चारिटा बीट आसे गोटे आट्रिगुलेसन प्रोनाउनसीएसन सिलेबिक वर्ड सेंटेन्स स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आट्रिगुलेसन कौन आट्रिगुलेसन हूँ स्पष्ट भाव उच्चारण शैली हूँ आट्रिगुलेसन ओके आट्रिगुलेसन स्पष्ट उच्चारण प्रोनाउनसीएसन प्रोनाउनसीएसन अर्थात भी उच्चारण बुझे कि ना स्पष्ट भाव उच्चारण करवा दरकार आमर प्रोनाउनसीएसन सिस्टमटा से ठीक रही सहित सिलेबिक वर्ड सिलेबल वर्ड आमर इंग्लीश लांगुएज आम भल भाव कही पारना कहीं कारण आमर वर्ड पावर कम सिलेबिक पावर कम आम कम आम अधिक मात्रा इंग्लीश वर्ड को ग्रास कर पारना अर्थात ग्रहण कर पारना मन रखि ना आम मेमोरी से इंग्लीश वर्ड ना बोली गोटे सेन्टेन्स किसी ओडिया वर्ड को रिप्रेजेंट करने इंग्लीश वर्ड आम मुंडे आम मेमोरी न था बुझिपारे तेणुक सिलेबिक वर्ड एंड सेन्टेन्स आवश्यकता अच्छे एक इंटोनेशन इंटोनेशन अर्थ कौन ना स्पष्ट भाव उच्चारण मान आम कंठ गुहर जो साउंड बाहर ताक गोटे सुंदर शैली व्यवहार करवा नॉर्मल कथा कहवा एवं गीत गाइबार जमी गोटे अलग स्वर थाए तो से ही आम जहाँ भी कहूँ ताकू गोटे सुंदर शैली प्रकाश करवा ओके हूँ इंटोनेशन ओके ये गोटे इम्पोर्टेंट यहाँ टी मन रखे ओके देन सेकेंड कौन आसला आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आम केमी क्यों एरिया इम्प्रूवमेंट हो जाना आम कौटी करवा ना प्रथम इंटरचेंजिंग साउंड प्रथम आम कौन करवा दरकार इंटरचेंजिंग साउंड आम साउंड को चेंज करवा दरकार एस एस एच प्रोनाउंसिएशन टा भल करवा दरकार सैम सैम अर्थ कौन एम अर्थ कौन एम अर्थ समान एस एच एस एम अर्थ लज्जा बुझिपार तेणुकर जो थे एस एच एस सैम एम सैम एटा सैम ओके ताको हम भल भाव उच्चारण करवा दरकार तापरे सेकेंड आसे एमटीआई मदर टंग इन्फ्लुएंस ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड स्पीच आम जानते मदर टंग आम जेहेतु ओडिया आमर ओडिया लांगुएजटा निश्चित भाव इंग्लीश लांगुएज को कौन कर इन्फ्लुएंस कर आम इंग्लीश पढ़ला बेले कौन पढ़ू मदर टंग इन्फ्लुएंस ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड स्पीच एमती पढ़ू कारण ओडिया आम बुक बही पढ़ला बड़ी पढ़ू कितु तामती नुह मदर टंग इनफ्लुएंस ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड स्पीच फॉर एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन दिस एज डिस ड्यू टू प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द डी साउंड इन द वन्स लैंग्वेज ये गोटे नॉर्मल तो आवरी भी इम्प्रूवमेंट तरीके से बढ़ी हम तो आमर कौन करू ओडिया जेहेतु आम पिलादिन रु शिखी आसु प्रभृति शैशव कालर आज जाए आम ओडिया कही कही आसु तो इंग्लीश कहला बेलू आम ओडिया छापटा इंग्लीश रे रही जाए ओके तो सेटा प्रॉब्लम हुए एम टी आई अर्थात मदर टंग इन्फ्लुएंस द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड स्पीच आम कहला बेले आम उच्चारण कला बेले ओडियाटा कौन करे इंग्लीश को प्रभावित करे ओके तो तापर ध्यान देवाक पड़ देन फोर्थ कौन आसे इनकरेक्ट स्ट्रेस प्रोनाउंसिंग टेक्नोलॉजी एस टेक्नोलॉजी स्ट्रेसिंग ऑन द थर्ड सिलेबिक इंस्टेड ऑफ सेकंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो आउपरे टेक्नोलॉजी टाकू भल भाव उच्चारण करवा केमती तो ताऊपर ध्यान देवाक पड़ इनकरेक्ट स्ट्रेस प्रोनाउंसिंग टेक्नोलॉजी एस टेक्नोलॉजी ओके तो ताऊपर ध्यान देवाक पड़ो देन डी इन एप्रोप्रिएट इंटोनेशन इंटोनेशन मान कौन कही आम स्वरगोहर जहाँ वार्डटा बाहर ताकि सुंदर स्वर से उच्चारण करवा ओके एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी द सिंग सॉन्ग और फ्लैट इंटोनेशन स्टाइल्स आम जो भी गीत गाऊ जमी गोटे कौन करूँ ना सुंदर शैली रे किसी जिनस को प्रकाश करूँ तो से ही भाव में आम जहाँ भी कहूँ ताकु रिप्रेजेंट करवा दरकार ओके एप्रोप्रिएट इंटोनेशन स्टाइल्स
Then development and understanding phonetic system. Development and understanding phonetic system कौन करेगा तेरे पर दरकार हमें English phonetic system टाकू भल भाव पर बुझवा दरकार ओके तारा प्रत्येक language को प्रत्येक word को ओके important दे ताऊपर phonetic system की पूरी भाव पर development हो पड़ेगा ताऊपर marking करेगा दरकार ओके जहाँ की कौन करेगा This language will help bring about the awareness of correct manner. जहाँ कि हमको awareness आने दो English language ऊपर। Then fourth कौन कहे? Understanding the syllabic stress and intonation. Syllabic stress हम कौन कही थी? Syllabic stress मने जहाँ कि word power ऊपर है। Okay? हमें विभिन्न प्रकार word को accept करिए दरकार करो, memory fix करिए दरकार जहाँ कि हमरो इंग्लिश लैंग्वेज को कौन करिबो ना ग्रो करि परिबो ओके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को वृद्धि करि परिबो तो इंटोनेशन ऊपरे विभिन्न प्रकार सेंटेंस ऊपरे विभिन्न प्रकार स्ट्रेस ऊपरे फ्रेजल वर्ब ऊपरे फ्रेजल वर्ड ऊपरे फ्रेजल सेंटेंस ऊपरे हमको किछ काम करि दरकार किछ मन रखिबा दरकार जहा कि हमको इंग्लिश रो सेंटेंस मेकिंग रे सहायता करिबो तो ये सोच अंडरस्टैंड द सिलेबिक स्ट्रेस ऊपरे ओके देन करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ करेक्ट इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस केवल आमरे सठिक भाव रे आमे इम्प्रूव करिबा एंड प्रैक्टिस करिबा कारण अभ्यास बले सर्वशक्ति जे कोनो जिनिस को आमे जदि भल भाव रे अभ्यास करथिबा ताहाले से जिनिस टि निश्चय हबो एथरे कोनो से संदेह नै सेहि बले भाव रे आमे इंग्लिश लैंग्वेज टा को जदि प्रतिदिन भल भाव रे अभ्यास करथिबा प्रत्येक मुहूर्त रे ता सहित लागुथिबा गोडुथिबा ताहाले से निश्चय भाबरे हमको आम सहित डेवलपमेंट कर पारे ओके गोटे पॉजिटिव चेंज हो पारे ओके देन इवैल्युएट इम्प्रूवमेंट ए सब पांचटी जिनस कर सारा पर लास्ट कथा से इवैल्युएट इम्प्रूवमेंट मु किभली भाबरे फोनेटिक सिस्टम यूज करूछी सिलेबिक वर्ड को यूज करूछी ओके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को मु केते मात्रा रे डेवलपमेंट करूछि तार गुटे इवैल्युएट अर्थात मूल्यांकन करिबा इवैल्युएट तो मूल्यांकन करिबा ओके इवैल्युएट करिबा दरकार आ मोर कोटी वीकनेस रहिला बुझो सुनि एट लेक्सिटी वीकनेस एंड फैकल्टी वीकनेस ऑफ द फैकल्टी कैन डिसाइड इफ स्टूडेंट इज गुड टू गो तो आपको क्यों माने इवैल्युएट करेंगे टीचर माने तुम्हारे गार्डियंस माने जो माने कि जानते इंग्लिश सिलेबिक वर्ड उपरे इंटोनेशन उपरे तो टीचर आपको इवैल्युएट कर पारे एवं वीकनेस को जानी से तुमको गोटे गुड फाथ गुड वे देखे पारे ओके ये थिला आजर ग्लोबली कॉम्प्रिहेंसिबल असेंट उपरे ओके जदि किसी भी डाउट अच्छे तेल कमेंट मध्यम पचारिपर एवं मुझे कि तुम्हें भी बुझा सहित तो समस्त को शेयर कर जहाद्वारा कि से तुम सांग जिनस को देख बुझे ओके थैंक यू धन्यवाद।